आज हमारे बीच में एक नया छाली का प्रतिभा दीपक रावत का रूप में हमारे समय कल जो की नारद का सेट पर से दीपक रावत जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी, आप सब धन्यवाद और मैं दगड़ दगड़म उत्तराखंड का सभी वासी थे जो ये कार्यक्रम से देखना चाहिए उन सबको धन्यवाद कर दूँ, सब नमस्कार कर दूँ। और मेरी जो ये रंगमंच और फिल्म की यात्रा चल रही थी वहाँ का बाना आप सबको आशीर्वाद चाह दूँ। एक छोटू सी परिचय दीपक रावत जी को मैं आपसे दे दूँ कि भाग मिल्खा भाग में एक मेजर करेक्टर अपन कैरी, ये के अलावा जो लगा के हैसा, ये के अलावा आप एक रंगमंच का कलाकार छन, ये का अलावा आप एक लिखवार भी छन, तो बाकी धीरे धीरे छुई लोगों ने तो पता लगेगा कि बहुत सारी प्रतिभा एक आदमी का अंदर दो। तो दीपक रावत जी सबसे पहले आप शुरुआत करा कि आप उन अभी तक काम के अरे एक सबसे बड़ी बात अपना दर्शकों से बता दू कि हमारे पहाड़ में एक अणु है कि भला मोतियों का दाना हर चीज आला तक बटे लाना ढांडू जब पुरुष है ओला जो बोलता बोल चाहे कि मोतियों का दाना अगर हर चीज आला तक बटे लाना अभी तक हूं तो क्या चाहे कि मोतियों का ही दाना जो चाहिए हर चीज उत्तराखंड की बहुत सारी प्रतिभा जो बॉम्बे जी छे और बाहर देश में भी काम करनी छे लेकिन वो हर चीज आने लेकिन आज उत्तराखंड की जो प्रतिभा छे ना वो बाहर आनी छे जन की अभी सोनू निगमन भी बोल की मेरी मदर जो छे ना वो गढ़वल छे बहुत बड़ी बात हूँ। हाँ जी हाँ जी अनुष्का शर्मा जो छे वो भी मदर जो छे बल्कि वो अभी गढ़वल जो एक आध शो में जो गढ़वल गीत भी के नहीं बल्कि हिमानी शिवपुरी जी हमारे जो हिमानी शिवपुरी जी छे वो भी जो छे अब भुनी से धीरे धीरे ये लोग बहरा ना तब हम तक पता लग हेमंत पांडे जी छे हमारे कुमाऊं का और बहुत अच्छे कुमाऊं भी बना चलो तब धीरे धीरे पता लगनु कि हाँ हमारे लोग कक्ष जन की आप बॉम्बे बटे अपन काम के रुक में भाग मिल का भाग में काम करी अब जो चो उजागर होना चाहिए। तो सबसे पहले नेटवर्क 10 जो चैनल छे वे को मैं धन्यवाद अदा कर दूं कि वो इन इन जो नया नया कलाकारों थे एक मंच दिणु छ और वे मंच जरिया वो यूं कलाकारों थे आगने लाना कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं चैनल ते बहुत बहुत धन्यवाद अदा कर दूं और दूसरी बात ये आज की हम कह भी पहुंच जोला हम अगर अपने संस्कृत भूल जोला अगर अपन मूल थे भूल जोला तो हम कह जुगो नहीं रोला यहाँ पर मैं एक कविता लिखी से जग भी जोला गडोली रोला आप जुड़े हाँ जी और बराबर आप जो चुनाव रहे लेकिन कल जो की नारद की खासियत है जो भी एक जुड़दान वो हमेशा हमेशा जुड़दान के लेकिन संपर्क जो हमारा जो कभी छोड़ता नहीं सर बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आप अपन परिचय देवान की अपन कखक और क्या क्या काम करी भाई जी 2002 बेटे में रंगमंच कार्यरत छू देहरादून अलग अलग संस्थाओं दगड़ युगांतर निनाद उद्गम इन सभी संस्थाओं दगड़ में काम कार दो ढाई साल मिल एक थिएटर कार वे के बाद में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ बैठे मिल एमएन थिएटर एक डिग्री प्राप्त कार जख नीरामान सिंह चौधरी जी महेंद्र कुमार जी हमारा टीचर छाए जो हम अच्छे अच्छे गुरु ज्ञान सिखाई और बाकी इंग्लैंड बैठे भी हम रोप के क्लियर जी सिखाना एन वॉइस एन स्पीच जो बोलने कला हूं वे पर बात उन हम सिखाई वे के बाद में एसआरसी रेपेट्री जो रेपेट्री मतलब जो आप लोग जान रहा रंगमंडल हूं एसआरसी रंगमंडल दिल्ली मिल दो साल कार्यकार बतौर आर्टिस्ट फिर एक बाद में राष्ट्र नाट्य विद्यालय मिल रंगमंडलम कार्यकार जबकि मैं रंजीत कपूर जी जना डायरेक्टर दगड़ मिल काम करी जो अनु कपूर जी का भाई छिन लज्जा जिन फिल्म जो लिखिन बड़ सौभाग्य अच्छा है कि वो दगड़ हमल काम करी और वे के बाद में जब फ्रीलांसिंग पर आऊँ तो फिर मिल क्योंकि जीना इसी का नाम एंड भाग मिलखा भाग दम लगा के हैशिया जन की अभी क्या बोल रहा हूँ कि ये जो समाज जो हमारे जो फिल्म लाइन से फिल्म इंडस्ट्री को समाज से ग्रोथ कनु छ कुछ बिल्कुल 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 आज मैं देखो दो समाज में आज हम लोग सोच थोड़ा से दी कदम अगने पहुंचे जो मैं पहले रंगमंच में काम करे छाए वे तो देखो जो वो अनुभव मीम छे आज तो एक आधार पर और आजक आधार पर आजक जो व्यक्ति सोच ऑडियंस एक सोच वो बढ़ गया फिर दूसरी बात साधन बढ़ गए चैनल बढ़ गई तो इंटरटेनमेंट का जो चैनल बढ़ गई वैसे हम जन कलाकारों को एक नई अपॉर्चुनिटी बन गया। दूसरी बात है कि अब हम सब लोगों थे यानी कि कलाकारों थे अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार हूँ पढ़लू और हूँ चेंदू किले की दर्शक जागरूक हो गया सचेत हो गया सक्रिय हो गया। हाँ अब जन बोने की बात है लिया ठुंगार एक फिल्म है हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छी बिजनेस कार भी बिल्कुल सुबेरे को घाम जो है बहुत अच्छी बिजनेस का नीचे और लिया ठुंगार की टीम ना एक और नई फिल्म जो घोषणा करा ली आज जो है दूसरा अगर फिल्म बनाना चाहिए तो यह एक फिल्म इंडस्ट्री को बड़ी बात बिल्कुल और सबसे बड़ू की कलजुगी नारद को यू मंच
ये नया नया कलाकार आना छिन और अपन परिचय जो छ उनको हुनु छ और वो लोग काम करना छिन आगे बढ़ना छ। आप एक लिखवार भी छ? हाँ जी है जी। कोई कटगड़ी संरचना हुए तो मतलब सुना तो कटगड़ी तो फिल्म नीति माहौल चलाना चाहिए कि आप सब लोग जानना चाहना हलचल फिल्म नीति की चलना चाहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर ही मिल अब जब मिल देख रोल कॉल होना चाहिए बैठे तो सब लगे अचानक फिल्म नीति हो फिल्म नीति हो फिल्म नीति हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फिल्म नीति का विचारधारक जो छन वो कद का सक्षम छन वही चीज पर मिल थोड़ा सी जोड़ तोड़ फिल्म नीति को शीर्षक से। अच्छा अच्छा स्वागत। आप सब गौर से सुनिया जोड़ तोड़ फिल्म नीति को हूं बैठगी जोड़ तोड़ फिल्म नीति को बन बैठगी बोर्ड उत्तराखंड की फिल्म को हूं बैठगी जोड़ तोड़ फिल्म नीति को बन बैठगी बोर्ड उत्तराखंड की फिल्म को सरकारक समण सटीक बात रखन आणु नीच पर विचार हो गया फिल्म नीति को। क्या बात। सरकारक समण सटीक बात रखन आणु नीच पर विचार हो गया फिल्म नीति को पेण बैठ गए सरकारी चार खेण बैठ गए सरकारी बिस्कुट वेगे अब तक खत्म और कुट पर फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्रचार प्रसार हो गए फिल्म नीति को। क्या बात है। कुण्यू कुण्यू भटे आना छन कलाकार बनी जो कभी नहीं दिखे चाहे वो फन्ने क्या बनाए छन अग्नि भटे कुण्यू कुण्यू भटे आना छन कलाकार बनी जो कभी नहीं दिखे चाहे वो फन्ने क्या बनाए छन अग्नि भटे घर बार कूड़ी पुंगड़ी छोड़ी गोर गुठियार भोली बनाया छन कला और संस्कृति का ठेकेदार। क्या बात है। घर बार कूड़ी पुंगड़ी छोड़ी गोर गुठियार भोली बनाया छन कला और संस्कृति का ठेकेदार वेगे एक बार फिर से फिल्म नीति को विचार। क्या बात है। पिज्जा बर्गर खे की बात कना छन कोदार झुंगरे की पिज्जा बर्गर खे की बात कना छन कोदार झुंगरे की चाख नीच के बाड़ियर कंडली की भुज्जी और बात कना छन थड़े और चौंपला की। क्या बात है। चाख नीच के बाड़ियर कंडली की भुज्जी और बात कना छन थड़े और चौंपला की आवाज नहीं सुनी कभी ढोल दमो की और बात कना छन ढोल सागर की। क्या बात है। बहुत खूब। अरे चुचो इन्हें फुने बात नहीं करा बात करा कि सरकार अच्छी बात फिल्म नीति बन गई बात करा कि सरकार अच्छी बात फिल्म नीति बन गई पर जरा ध्यान रखे कि फिल्म बोर्ड में कोई अजान तो नहीं गे। क्या बात है। पर जरा ध्यान रखे कि फिल्म बोर्ड में कोई अजान तो नहीं गे जैसे इन देश धरती को आचार विचार मालूम न हो जो ये गाड़ी गदने को देशक नहीं हो और हो तो वे तो फिल्म निर्माण को गुरु ज्ञान हो। क्या बात है। वो मीट और मास्टर शॉट को माहिर हो जिमी जिप ते पहाड़ में कन के पहुंचे जो यू भी मालूम हो क्षेत्रीय फिल्मों को विकास कन के हो यू वे जरूर मालूम हो और हाँ जगवाल घर जमे और कौथी कब बनी यू तो वे जरूर मालूम हो। बहुत बढ़िया। चक्रचाल आंजवाल और लिया ठुंगारो के मतलब च यू तो वे जरूर मालूम हो ज्यादा नहीं बुन चाणु छो हाथ जोड़ी बुलनु छो सभ्य कलाकार एकजुट हुई की बोला कि फिल्म नीति ऐसी हो अरे ऐसी तो हो पर कैसी हो कैसी हो ऐसी हो शूटिंग में आने जाने की और ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो। सबसे पहली बात कि शूटिंग में आने जाने की ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो वीडियो पायरेसी को पर्दाफाश हो क्षेत्रीय फिल्मों थे पूरी लागत कम से कम 30% अनुदान हो और एनओसी का बाना सिंगल विंडो सिस्टम हो। क्या बात। उत्तराखंड में बनी फिल्म थे टैक्स माफ हो जल्द से जल्द फिल्म सिटी को निर्माण हो शूटिंग लायक जगहों को पुनर्निर्माण हो कलाकारों का हित का बाना कलाकार कल्याण कोष हो कुल मिले कि उत्तराखंड और उत्तराखंड की संस्कृति को विकास हो। जय उत्तराखंड जय भारत। बहुत ही सुंदर और उम्मीद है कि ये कलजुगी नारद कार्यक्रम का माध्यम से आपकी यह बात जो फिल्म नीति का संरक्षण छ जो बोर्ड में बैठा छ उन तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल। ये कविता मिल इले लेखी मैं चाहूँ कि जो भी लोग विचारधारक बनिया फिल्म नीति का वो अच्छा जानकार लोग बने और किले की अगर अच्छा जानकार लोग अग्नि आला तो नया नया कलाकारों को सभी कलाकारों को हितक बाना अच्छो काम करला ये उम्मीद है कि दगड़ में ये यात्रा थे अग्नि बढ़ा दो। चलो जी फिल्म नीति की तो बात हो गया रंगमंच की थोड़ा बात करना। हाँ जी रंगमंच उत्तराखंड में की रंगमंच बिल्कुल खत्म हो गई थी। बिल्कुल। रंगमंच का नाम बरतो सिर्फ रामलीला होनी सर। हाँ जी है ना और कुछ दो चार चिरकुट सी एक दो चार हास्य कलाकार रामलीला में एज जोकर जाकर बनीकर वो लोग जो रंगमंच सिर्फ वो तक सीमित रह गया इन बार में क्या बुनता है रंगमंच में तो इन लोगों कि रंगमंच जो अभी देहरादूनों में जब मिल गया यात्रा शुरुकार छाए तो वे वक्त भी बहुत एक्टिव छा रंगमंच लगातार इन ऊंचा कि मतलब हर एक महीना में या दुई महीना में कम से कम तीन चार कार्यक्रम हो जान जाए
और सब संस्था वाला एक्टिव चाहे, सबसे बड़ी बात चाहे ये शाम को वक्त एक अड्डा चाहे, हम सब लोग रंगमंच का जब भी कार्यकर्ता चाहे जब भी आर्टिस्ट चाहूँ कि एक अड्डा होना चाहिए जब हम सब रंगमंच से संबंधित फिल्म से संबंधित बात करता चाहे और वहाँ निचोड़ फिर तब शो मान चाहे सबसे बड़ी बात है विचारधारा वैचारिक तक जो एक वो चाहिए माहौल बन चाहिए वे के बाद तब शो बन चाहे। अब धीरे धीरे उम्मीद होना चाहो कि कलाकार जो हो वो थिएटर में आनो चो यहाँ बना आनो कि भाई मिल एक नाटक करण और वे बाद फिल्म चल जाए वो एक सीढ़ी बने इस रंगमंच। नहीं जबकि आप हिंदी फिल्मों में देखो कि हाँ आज भी जो जो अवतार गिल हो गया ही ओमपुरी जी हो गया ही इरफान खान हो गया ही ये सब लोग आज तक थिएटर का नाटक के लेकिन मैं बॉम्बे में छाई तो मैं थिएटर देख दिया मैं बॉली आर्टिस्ट जो छे ना कबर आर्टिस्ट है ना और आज भी यू जो थिएटर का नाटक और थिएटर लगातार का नाटक रोज का नाटक। सबसे बड़ी बात भाई साहब की हम जो कलाकार छा हम अब उत्तराखंड में बहर नहीं जाना चाहना सीखना का माना कि लेकिन मैं बोलू दो कि तुम देश हाँ मतलब यो की आप घर में बैठे भी सीखी कि आप बहर भी जा उत्तराखंड एक सीमा बैठे बहर जा लिया दिल्ली बॉम्बे घूम लिया चंडीगढ़ घूम लिया मध्य प्रदेश घूम लिया तब जाके तो आप हम कुछ कला को समावेश हुआ विभिन्न रंग दिख लिया तभी तो आप रंग विभूति बन लिया लेकिन हम अपनी सीमा से बहर जाने नहीं जाना चाहो। मैं बोलू दू अगर आप देश विदेश घूम लिया देश विदेश बैठे सीखी गया लिया और वहीं विदेश आप सीखी गया अपने घर अजमे लिया तो निश्चित तौर पर रंगमंच भी भालू भालू। दूसरी बात है कि फंड एक बात है कि अब जो फंड देने को तैयार हुआ अगर कुछ भी लोग और संस्था है जो अनुदान हो चाहे सरकार तरफ बढ़े हो या कन के भी वो अनुदान आनो चे जैसे कि रंगमंच जिंदा हो सके फिल्म नीति बनी चाहिए फिल्म नीति में ही रंगमंच को भी रंगमंच भी जो फिल्म और संस्कृति कला को एक भाग है सबसे बड़ी बात है और वे थे अलग मानी नहीं चलना चाहिए लेकिन कलाकार बिल्कुल व्याकरण सबसे सही बात बाल व्याकरण से मतलब एक नौनिहाल जब कलाकार हों तो रंगमंच बढ़े कि एबीसीडी सीखेगी तो वो फिल्म एक सीढ़ी चढ़ो सबसे बड़ी बात है। तो मैं तो ये लगन कि रंगमंच थे फिल्म तो अलग कैरी नहीं चलाना चाहूँ फिल्म नीति के अंदर अंदर संस्कृति नीति के अंदर अंदर यो जो रंगमंच की नीति है वे थे भी तय करना पड़ोलू और सबसे बड़ी बात हूं कि अनुदान रखना पड़ो सरकार थे अगर नाटक और नाटककार थे जिंदा रखन लेखकों थे जिंदा रखन पड़ो लेखक जिंदा रखला तो नए नाटक लिखला नए नाटक लिखला तो नए नाटक खिले जाला नए कलाकार खिलला फूलला फलला। हम आपकी शुभकामनाएं करते हो कि आपका बहुत से गवास कलजुगी नारद की बहुत बहुत शुभकामनाएं चंद कि आप निरंतर अग्नि बढ़ाना रहो और कलजुगी नारद से जुड़े आ रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप भी और आप सब को जो ये कार्यक्रम देखे और ये चैनलों में बहुत बहुत धन्यवाद अदा कर दो और अग्नि भी आनो रहो ई उम्मीद के दगड़ एक बार पुनः धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार।